आज ही DoubtNet ऐप डाउनलोड करें DoubtNet पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन में दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ कन्वर्जिंग लेंस ऑन इट्स एक्सिस द इमेज इज आल्सो फाउंड टू बी मूविंग टुवर्ड्स द लेंस देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मस्ट सेटिस्फाई ओके सो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस की ओर जो कन्वर्जन है उसके एक्सेस मूव कर रहा है तो जो इमेज है वो पाया गया कि वो मूव कर रहा है लेंस की ओर सो so, इसका मतलब जो इमेज है वो मूव कर रहा है फ्रॉम माइनस यू टू जीरो मान लेते हैं इधर से कहीं से मूव कर रहे हैं। मतलब यहां से यहां जा रहा है ऑब्जेक्ट इमेज ये जो इमेज है वो यहां से यहां जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसके एक्सिस की ओर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि कन्वर्जिंग लेंस सो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो टू एफ एफ टू एफ और एफ के बीच में जब होता है तो जो इमेज है कन्वेक्स लेंस में वो पीछे साइड में फॉर्म होता है सो so ये तो पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं इसका जब एफ से ज्यादा होता है यानी कि एफ और जीरो के बीच में तो वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड जीरो तो फोकस और उसके ओ के बीच में होता है तो ये जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स लेंस में वो वेरी करता है माइनस इनफिनिटी से ज़ीरो तक यानी कि जब एफ पे होता है तो माइनस इन्फिनिटी में इमेज फॉर्म होता है जब ज़ीरो पे होता है तो ज़ीरो पे फॉर्म होता है सो so, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है वो इसके बीच में लाई करेगा एफ और ज़ीरो के बीच में

एफ और ओ के बीच में तो यू इज लेस देन एफ तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन यू इज लेस देन एफ तो ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी आई टी और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर